नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं श्वेता सिंह। झालावाड़ से झुमरी तिलैया तक, बलिया से बलरामपुर तक, भवानीपुर से भोपाल तक, गुड्डू मुन्नी पिंटू रीमा सीमा और उनके रिश्तेदारों तक सीधे पहुंचेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात। जी हां, टेलीविजन पर धमाल मचाने वाले मोदी देशवासियों को अपने दिल की बात सुनाएंगे रेडियो पर। ये 125 करोड़ देशवासियों का काम है। 125 करोड़ में एक मोदी नाम का इंसान भी है। अकेला मोदी है ऐसा नहीं है। सभाओं में आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई बार सुना होगा। मोदी जी, बड़ा विजन बताओ ना, बड़ा विजन। आपने ये भी देखा होगा कि कैसे प्रधानमंत्री सीधे लोगों के दिलों में उतरने की मुकम्मल तैयारी कर लेते हैं। मैं चाय बेचते बेचते यहाँ आया। वो टेलीविजन पर आते हैं और सबको अपना दीवाना बना लेते हैं। वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों से जुड़े होते हैं। उनकी सरकार का कामकाज ट्विटर के जरिए पलक झपकते आप तक पहुंच जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री अब एक नए अंदाज में आपके सामने आएंगे। जी हां, प्रधानमंत्री देश के साथ अपने मन की बात रेडियो के जरिए पहुंचाएंगे। ये है आकाशवाणी। प्रधानमंत्री ने गुरुवार की रात को ट्वीट किया है कि कल सुबह 11 बजे मैं रेडियो के माध्यम से अपने विचार आपसे साझा करने वाला हूं। रेडियो के धुरंधर इससे गदगद हैं। मेरे हिसाब से पीएम ना तो प्रधानमंत्री हैं ग्रेटेस्ट और ना ही प्राइम मिनिस्टर हैं, बल्कि ही इज अ ग्रेटेस्ट प्लानर ऑफ मीडिया। तो उन्होंने देखा कि 92% पहुंच जो है, जो हमारी जनसंख्या के अंदर पहुंच है, वो रेडियो की है। लेकिन कहीं ना कहीं टेलीविजन के ना होने के कारण जो उन्हें देख नहीं पाते या उन्हें सुन नहीं पाते, उन तक पहुंचने का बेहतरीन जरिया रहा रेडियो। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान के जरिए जानकारी दी। रेडियो कार्यक्रम प्रधानमंत्री की ओर से लोगों के साथ नए ढंग से संवाद करने का एक और कदम है। टीवी और इंटरनेट की क्रांति के युग में मोदी रेडियो की तरफ लौट रहे हैं। यह है आकाशवाणी। 2 अक्टूबर को मोदी ने देश को स्वच्छता का संकल्प दिलवा दिया। अब दिल की बात सुनाएंगे, लेकिन वो जरिया रेडियो होगा। गुजरे जमाने की चीज बन रहे रेडियो पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है मन की बात। पीएम का रेडियो संबोधन सुबह 11 बजे शुरू होगा, जिसे आकाशवाणी के सभी नेटवर्क प्रसारित करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण पहले हिंदी में होगा, बाद में क्षेत्रीय भाषाओं में इसका अनुवाद भी प्रसारित किया जाएगा। रेडियो तो आधुनिक संचार का सबसे पुराना तंत्र है। टेलीविजन के प्रसार से पहले रेडियो पर अपने नेताओं को सुनकर लोग अपना मानस बनाते थे। आज रेडियो गुजरे जमाने की चीज बनती जा रही थी, लेकिन मोदी ने उसे जिंदा कर दिया। हम लोग जो है उत्साहित भी हैं सुनने के लिए, इसलिए पुरानी रेडियो को ठीक ठाक करके उसी पर सुनेंगे। देखिए, मोदी जी तो एक आज की डेट में, जैसे गांधी के बाद तो मैं मोदी को ही मान रहा हूँ आज की डेट में। मोदी जी का प्रोग्राम है तो इसलिए हम दुकान पर जाकर रेडियो को खुजवाए और उसको बनाकर बैटरी वैटरी खरीद कर आज नया हल्ले कराकर मैं रेडियो को ठीक करके रखना चाहता हूँ। रेडियो का दौर अभी बीता नहीं। टीवी क्रांति के बाद शहर से लेकर गांव तक रेडियो आलमारियों में सहज कर जरूर रख दिए गए, लेकिन सिर्फ कुछ वक्त के लिए। FM ने रेडियो के अंधेरे में घिरते भविष्य को नई रोशनी दी, जहाँ टीवी नहीं, इंटरनेट नहीं, अखबार नहीं, देश के उन दूर दराज के गांव में आज भी रेडियो की आवाज गूंजती है। ये है आकाशवाणी। ये आकाशवाणी है। ये आकाशवाणी है। तभी तो पिछले महीने ही प्रधानमंत्री मोदी ने रेडियो पर मन की बात की भूमिका बना दी थी। पीएम ने एक ट्वीट किया, रेडियो पर जुड़ते हैं, आपके विचार चाहते हैं। कभी अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने रेडियो पर भाषण देना शुरू किया था। अमेरिका का वो चलन धीरे धीरे दुनिया पर छाता गया। भारत में भी एक समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश का जरिया रेडियो ही हुआ करता था। आज तकनीक के तमाम नए साधन आ गए हैं, लेकिन मोदी ने मन की बात सुनाने के लिए रेडियो को चुना, क्योंकि सुनने के लिए और बिल्कुल ध्यान से सुनने के लिए रेडियो से बेहतर माध्यम और क्या हो सकता है। पंकज शर्मा के साथ मोहम्मद अनस जुबैर, दिल्ली आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश को समझते हैं,
इस देश की मिट्टी को समझते हैं, उन्हें पता है कि देश के हर कोने से उन्हें समर्थन मिला है, तो उनकी तरफ से भी जो जाए वो देश के कोने कोने में जाए। पिछले 5 सितंबर को भी मोदी ने शिक्षक दिवस पर अनोखा प्रयोग किया। देश भर के बच्चों से उन्होंने सीधे बात की, बच्चों की सुनी तो अपना संदेश भी देश के भविष्य तक पहुंचाया। सीधे संवाद, दिल की आवाज अपने करोड़ों देशवासियों तक पहुंचाने की ललक, ये ललक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में इतनी जबरदस्त है कि वो बंधी बंधाई परंपरा को तोड़ते हैं। 5 सितंबर को टीचर्स डे पर मोदी ने मिसाल कायम की। इससे पहले हाल के दिनों में किसी प्रधानमंत्री ने बच्चों से जुड़ने की इस तरह की अनोखी पहल नहीं की थी। टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल कर देश के हजारों छात्रों से सीधे रूबरू होकर दिलों को जीता। तो गांधीनगर से नई दिल्ली आने पर आपको कैसा महसूस हो रहा है और आपकी गतिविधियों में क्या बदलाव आया है? फर्क तो बहुत लग रहा है, एक तो मुझे समय नहीं मिला है अभी दिल्ली देखने का। कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं। प्रधानमंत्री लोगों से सीधे जुड़ना चाहते हैं, इसी की एक झलक अमेरिका यात्रा में दिखी। आज से पहले किसी भारतीय प्रधानमंत्री को अमेरिका में हजारों लोगों को संबोधित करने का मौका नहीं मिला था। मैंने उनको कहा, भाई देखिए मैं चाय बेचते बेचते यहाँ आया। मेडिसन स्क्वायर में 18,000 लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए जुटे। कमाल का अनुभव है कि किसी भारतीय नेता को अमेरिका की धरती में इतना प्यार मिला हो। छोटा इंसान, ये लोगों की उम्मीदों की उड़ान है, भारत के विकास को हकीकत में बदलते हुए देखना चाहते हैं। जिस देश के पास ये सामर्थ्य हो वो देश कई नई ऊंचाइयों को पार कर सकता है, और उसको पार करने के लिए हमने एक बीड़ा उठाया है, स्किल डेवलपमेंट। हमारे नौजवानों में उसके हाथ में हुनर हो, काम करने का अवसर हो, तो एक आधुनिक हिंदुस्तान खड़ा करने की उसमें ताकत होती है। डिजिटल इंडिया की ताकत को पहचानने वाले मोदी सीधे लोगों से जुड़ने की कवायद करते रहते हैं। अपने जापान यात्रा में भी लोगों को मुरीद बना लिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने जापान की सीक्रेट हर्ट यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित किया। पीएम ने भारत में महिलाओं की बढ़ती ताकत के बारे में जापानी छात्रों से राय साझा की। कैबिनेट में 25% मंत्री महिलाएं की बात रखी। आपको जानकर के ये भी खुशी होगी कि अभी जो मेरी सरकार बनी है, अभी अभी 100 डेज हुए हैं सरकार को, मेरा जो कैबिनेट है, कैबिनेट में 25% वीमेन है। अपने 5 महीने के शासन में मोदी ने यह भी बता दिया कि वो प्रधानमंत्री जरूर हैं, लेकिन लोगों से दूर नहीं हैं। जहां भी मौका मिला वो लोगों से संवाद अदायगी का जरिया ढूंढ लेते हैं, और जहां जरूरी लगता है वहां सुरक्षा घेरा तोड़कर भी लोगों से मिलने पहुंच जाते हैं। अब आम आदमी से जुड़ाव के लिए प्रधानमंत्री ने रेडियो को माध्यम चुना है। आज तक ब्यूरो। रेडियो संचार और मनोरंजन का वो साधन जो कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोलकाता को जोड़ता है। टीवी तो इस जमाने का माध्यम बना। पहले तो समाचार हो या फिर नेताओं के दिल की बात, सबको खबर तो रेडियो से ही मिलती थी। नेताओं को अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा जरिया होता था रेडियो। आज से सब सीखने मंडे थे, वहां अस्पृश्यता ऐसी कोई चीज नहीं रहने वाली है, और ऐसे वो कुएं हैं वहां से वो पानी भी भर सकते हैं। जिस शख्सियत ने गुलामी की जंजीरों से देश को आजादी दिलाई, उस महात्मा गांधी ने भी रेडियो से ही देशवासियों को अपने दिल की दास्तां सुनाई थी, सपनों के भारत की कहानी। अस्पृश्य तो जो पापी है वो अस्पृश्य बन जाता है। बहुत दिन तक हम गुलाम रहे, उससे हमें गुलामी से नफरत हुई, तो हम औरों को गुलाम कैसे बना सकते हैं? इसलिए आज के दिन खास तौर से मैं आपको एक अमन की बात कहा चाहता हूँ। फिर तो रेडियो एक ऐसा जरिया बन गया जिसके जरिए हिंदुस्तान का हर नेता लोगों से रूबरू होता था। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जब आकाशवाणी पर बोलने के लिए आते थे तो दूर दराज के लोग भी उनकी सम्मोहक वाणी को सुनने के लिए बेताब रहते थे। हमने कुछ काम किए, कभी भले कभी बुरे,
अब गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए एक दिल एक प्राण होकर कटिबद्ध हो जाइए। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से बच्चा बच्चा वाकिफ है। उनके जमाने में रेडियो की पहुंच भी बहुत कम थी, लेकिन एक बार रेडियो से नेताजी ने भी देश के लोगों को आवाज लगाई थी। हुए है तो स्वतंत्र हिंदुस्तान में जीवे और मरे। अगर हमने आजादी के बाद एक समाजवादी रास्ता पकड़ा तो इस जनता के लिए पकड़ा, और अगर आज भी लोग बैंकों में रुपया रखते हैं तो शायद जो सबसे गरीब है उनके पास तो रुपया रखने को नहीं है। टेलीविजन के दौर में चेहरे दिखने लगे, नहीं तो सिर्फ आवाज ही पहचान होती थी और उस पहचान को रेडियो बनाता था। 1960 के दशक में जिन लोगों ने इंदिरा गांधी को देखा तक नहीं था, वो भी रेडियो पर उनको सुनकर समझ जाते थे कि प्रधानमंत्री बोल रही हैं। लिया जाए और राष्ट्र के कामों में ये रुपया लग सके। रेडियो का दायरा और आकाशवाणी से प्रधानमंत्रियों और नेताओं की वाणी तब कम होने लगी जब टेलीविजन का दौर शुरू हुआ। नेता सीधे टेलीविजन पर दिखने लगे और उस दिखने वाली चमक में रेडियो का असर कम होने लगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो को अपने जनसंपर्क के लिए चुनकर इस भूले बिसरे संवाद माध्यम को जिंदा कर दिया। आज तक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरातन परंपराओं को मानने वाले हैं, तो वहीं तकनीक के मामले में भी धुरंधर हैं। तकनीक का जमकर इस्तेमाल करते हैं। उनका टैबलेट उनके साथ चलता है, बात बात पर वो ट्वीट करते हैं। ट्विटर पर दुनिया भर में उनके लाखों फॉलोअर हैं। कोई भी नई तकनीक आई नहीं कि मोदी झट उसे अपना लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वक्त से आगे की सोचते हैं, जमाने को बदल डालने का हुनर नई तकनीक में खंगालते हैं। रेडियो पर मोदी मन की बात करेंगे तो लोग उस शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव की रेडियो की भाषा को फिर सुनेंगे जो टीवी की दौड़ में कहीं खामोश पड़ चुकी थी। ट्विटर के सफेद नीली पट्टियों और लाइनों के जरिए मोदी देश वालों को अपनी सोच और अपने विचारों से वाकिफ कराते रहे। देश ने पहली बार देखा कि कैसे एक प्रधानमंत्री सोशल मीडिया के सबसे नए और तेज रास्ते को संवाद का जरिया बनाकर देश से जुड़ जाता है। मोदी के नाम से बने ट्विटर अकाउंट के करीब 6.78 मिलियन फॉलोअर हैं, तो पीएम ऑफ इंडिया अकाउंट के 2.79 मिलियन। फेसबुक पर मोदी की मौजूदगी गजब की तेजी और ऊर्जा से भरपूर है। महानवमी की बधाई से लेकर स्वच्छता अभियान की तस्वीरों के साथ मोदी के फेसबुक पर पल पल का अपडेट आपके सामने है। मोदी के पेज को लाइक करने वालों की तादाद करीब 2.25 करोड़ तक जा पहुंची है। मोदी लोगों से सीधा संवाद रखने में यकीन रखते हैं। चुनाव से पहले और सरकार बनने के बाद भी मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के उन कोने लोगों तक को सुना जहां तक सीधे पहुंच पाना नामुमकिन था। चुनाव के दौरान चाय चौपाल पर बैठकर मोदी चाय की चुस्कियों के साथ लोगों से बतियाते रहे। सरकार बनी तो संवाद का सीधा रास्ता पूर्वोत्तर से लेकर कश्मीर तक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निकला। मोदी ने डिजिटल इंडिया का ख्वाब दिखाया तो घर घर को इंटरनेट से जोड़ने की पहल की। शानदार 3D स्टेज तो मोदी की रैलियों की जान था। होलोग्राम के इस्तेमाल ने भी मोदी को दुनिया के उन तमाम नेताओं की पंक्तियों में शुमार कर दिया जो जानते हैं कि तकनीक की दौड़ में आगे बने रहने का मतलब क्या है। आज तक ब्यूरो।